Hello. I wish you a very warm good morning to all dear students. Today I will going to discuss about the structure of insect wing and their venison. It is a very important topic for the MSc entomology students and the agriculture students. It is most important topic for the understanding of the entomology and the classification. What type of wing found in the insect and what is the margin of the insect and what type of venison found in the insect, it is very useful characteristic for the taxonomy of the entomology and classification of the entomology. तो आइए बच्चों, हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरली विंग को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही डेप्थ में और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ समझेंगे, क्योंकि ये टैक्सोनॉमी की दृष्टि से और विंग की स्ट्रक्चर्स की दृष्टि से डिफरेंट डिफरेंट जो इंसेक्ट है उसके अंदर है वो किस टाइप के या विंग होते हैं और वेनेशन किस प्रकार से पाया जाता है. वेनेशन जो विंग के अंदर पाई जाने वाली जो छोटी छोटी एक जाल रूपी वेन है उसको हम वेनेशन कहते हैं, और उस वेनेशन के बेस पे हम यहाँ पर एंटोमोलॉजी के रूप में इंसेक्टा को ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और ऑर्डर को फैमिली स्तर पर हमारा डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है. तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों. तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे. तो देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ हम कह सकते हैं कि स्लाइड्स बनाई गई है, उस स्लाइड्स के द्वारा आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ सकते हैं. तो आप देखिएगा, यहाँ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर डायग्राम लिया गया है बच्चों, एक इंसेक्ट का डायग्राम लिया गया है. इंसेक्ट विंग, इट्स वेनेशन एंड मॉडिफिकेशन एंड विंग कपलिंग. किस प्रकार से इस इंसेक्ट के अंदर वेनेशन जो पाया जाता है वो वेनेशन है, और दोनों साइड के जो विंग है उनमें आपस में कपलिंग कैसी होती है, और उस कपलिंग के द्वारा विंग का जो उपयोग करते हैं फॉर द फ्लाइंग, तो उड़ने के लिए जब इसका उपयोग किया जाता है तो किस प्रकार से ये कपलिंग इसकी क्रिया में सहायक है. हमने बच्चों प्रीवियस वीडियो में यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द विंग हमने पढ़ा था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. उसी को हम इलोबरेट करते हुए इस विंग की स्ट्रक्चर आज जानेंगे और ऐसा इस टॉपिक को इतना क्लियर कर लेंगे कि आने वाली एग्जाम में हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमारा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में सही होगा और हम यही इस चीज को समझ लेंगे. तो ये एक बहुत ही सुंदर आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है, एक इंसेक्ट का डायग्राम दिखाया गया है. इसी बेस पे हम यहाँ पर चलते हैं. देखिए, डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ इंसेक्ट के विंग की बात करें, इंट्रोडक्शन के रूप में हम बता सकते हैं कि हमारे अंदर विंग, इंसेक्ट के अंदर विंग कौन कौन से होते हैं. तो हम इंट्रोडक्शन में बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द विंग द सब क्लास द इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू सब क्लास, टू सब क्लास, फर्स्ट इज ए टेरिकोटा, सेकंड इज ए टेरिकोटा. एक जनरल बेसिक आइडिया है बच्चों जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द विंग द इंसेक्ट डिवाइडेड इंटू टू सब क्लास एटेरिकोटा एंड टेरिकोटा. द प्रिमिटिव एटेरिकोट्स आर विंगलेस. प्रिमिटिव टाइप के जो इंसेक्ट है वो विंगलेस है. दैट इज एग्जाम्पल आर सिल्वर फिश एंड स्प्रिंग टेल. विंग अराइजेज फ्रॉम द मीजो एंड मेटा एंड थोरेसिक सेगमेंट. मीजो थोरेसिक सेगमेंट और मेटा थोरेसिक सेगमेंट. मीजो थोरेसिक सेगमेंट विंग नोन एज द फोर विंग एंड मेटा थोरेसिक सेगमेंट नोन एज द हाइंड विंग. समटाइम विंग्स में बी रिड्यूस इन द टेरिकोट्स ऑल्सो. द ऑर्डर ऑफ ए मेला फेगा एंड साइफुनुकुलेटा. देर आर टू ऑर्डर्स, मेलोफेगा एंड साइफनकुलेटा. ये दो ऐसे ऑर्डर है जिनके अंदर विंग नहीं पाए जाते हैं. इन कॉक्सिड ओनली मेल आर विंग्ड एंड एफिड मे और मे नॉट हैव द विंग. एफिड ए ग्रुप ऑफ द इंसेक्ट, उसके अंदर विंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. यहाँ पर
कुछ ऑक्सिड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल के अंदर यहां पर विंग होते हैं, फीमेल के अंदर विंग नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम मेलोफेगा में ह्यूमन लाउस अपने बॉडी के ऊपर पाई जाने वाली, सिर के अंदर, हेड के अंदर, बालों में पाई जाने वाली जू है उसके अंदर भी आप देखते हो रिड्यूस्ड टाइप ऑफ विंग होते हैं। यहां पर बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ विंग द इंसेक्ट में बी क्लासिफाइड इंटू मेट्रोप्टेरस, ब्रैकिप्टेरस एंड अपटेरस। ध्यान रखें तो मेट्रोप्टेरस, ब्रैकिप्टेरस एंड एटेरस हम इसे कहेंगे, पी इसमें साइलेंट रहता है यहां पर, तो ये यहां डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विंग। फर्स्ट इज मेट्रोप्टेरस, देन सेकंड इज ब्रैकिप्टेरस, देन थर्ड इज एटेरस यहां पर है। तो ये थ्री टाइप के इंसेक्ट हम डिवाइड कर देंगे किस बेस पे, विंग की प्रेजेंस, अब्सेंस और रिड्यूस ऑफ द विंग के बेस पे हम कह सकते हैं एरिया। अब दूसरा एक वर्ड काम में लेते हैं हम, विंग की स्टडी करेंगे तो विंग के अंदर कौन कौन से एरिया होते हैं उस पर बात करेंगे। यहां पर द एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द विंग टुवर्ड कोस्टल मार्जिन, ध्यान रखें एरिया है विंग का, फर्स्ट मार्जिन है उसको हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन, वेयर मोर नो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द रेमिजियस लॉन्गिट्यूडिनल, जहां पर वेन प्रेजेंट होती है उसको हम रेमिजियस कहते हैं। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द विंग वेयर वेन आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट इट नोन एज द वेनल एरिया विच इज कॉल्ड एज द क्लेवस इन फॉरविंग एंड वीनस इन हाइंड विंग। फॉरविंग के अंदर क्लेवस एंड वीनस हाइंड विंग के अंदर इस एरिया को हमें वेनस कहेंगे। या द नेक्स्ट इज जुकम इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द विंग दैट इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन विंग बाई द जुगल फोल्ड। तो इस प्रकार से हम इसे बच्चों डिवाइड कर सकते हैं एरिया में। इसके बाद में इस एरिया को एक बहुत ही सुंदर स्लाइड के द्वारा हम यहाँ पर डिस्क्राइब करें। ये एरिया को आप देखिएगा बच्चों, ये एरिया यहां पर लिखा गया है कि कोई भी इंसेक्ट का एक विंग लेते हैं हम, इस इंसेक्ट के अंदर यहां पर देखिएगा ये मार्जिन और एंगल की बात करें, यहां इसे विंग के अंदर एक पॉइंट लेते हैं हम मार्जिन और दूसरा पॉइंट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल्स। विंग के अंदर कौन कौन से मार्जिन होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, इस बात को हम यहां पर समझेंगे बच्चों। तो यहां पर मार्जिन की बात करें तो सबसे आउटर जो मार्जिन है, ये जो विंग का आउट मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फर्स्ट मार्जिन को हम कहेंगे अपर डोर्सल साइड है, अपर मार्जिन का नाम कह दिया गया कोस्टल मार्जिन। विंग के नीचे का जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम कहेंगे यहां पर एनल मार्जिन। दो मार्जिन होंगे, एक अपर विंग का ऊपरी साइड का, एक विंग के नीचे के साइड का, तो दो मार्जिन कोस्टल मार्जिन और एनल मार्जिन। एक फ्री एंड जिसे एंटीरियर एंड कहते हैं इसको हम कहेंगे यहां पर एपिकल मार्जिन। तो तीसरा मार्जिन क्या है, यहां पर एपिकल मार्जिन है। तो एक विंग के अंदर तीन मार्जिन पाए जाते हैं। ओके बच्चों, द इंसेक्ट विंग हैव थ्री मार्जिन, फर्स्ट इज कोस्टल मार्जिन, सेकंड इज एनल मार्जिन, थर्ड इज एपिकल मार्जिन। विंग की स्ट्रक्चर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में यहां पर दो मार्जिन, तीन मार्जिन बने, एक कोस्टल अपर लोअर एनल मार्जिन और एपिकल मार्जिन। क्लियर। इसके बाद में आप देखिएगा बच्चों, अब ये तो मार्जिन की बात थी, एंगल की बात करें, दूसरी स्टडी हम करेंगे विंग के अंदर, तो हम देखेंगे यहां पर एनल्स, एंगल्स देखेंगे। एंगल्स कौन कौन से होते हैं, या तो एपिकल मार्जिन का जो किनारा है, ये जो किनारा है इस किनारे को हम कहते हैं एपिकल एंगल। क्लियर। और इसी एपिकल एंगल के ऑपोजिट साइड में जो यहां पर एंगल है, दूसरा जो किनारा है, दूसरा जो कोण बनता है, इसे कहेंगे हम यहां पर एनल एंगल। तो एनल मार्जिन टुवर्ड टू एनल मार्जिन द एंगल इज नोन एज द एनल एंगल। द एंगल इज एपिकल एंगल फाउंड टुवर्ड द एपिकल मार्जिन। एपिकल एंगल और एनल एंगल यहां पर समझ में आ गया। और जहां से विंग थोरिक्स पार्ट से जुड़ा रहता है इस एंगल को कहेंगे हुमेरल एंगल। तो आपके पास में तीन प्रकार के एंगल हो गए, हुमेरल एंगल,
एपिकल एंगल और या एनल एंगल। एक बच्चों देखिएगा, एक यहाँ एक चिन्ह दिखाया गया है, एक निशान दिखाया गया है विंग के अंदर, जो कोस्टल मार्जिन के ऊपर यहाँ पाया जाता है एक निशान, इसे कहते हैं टेरो स्टिग्मा। ये टेरो स्टिग्मा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इस टेरो स्टिग्मा के आधार पर भी हम ऑर्डर को डिवाइड कर सकते हैं। फेमिली स्तर पर एक आइडेंटिफिकेशन है, ये भी यहाँ पर एक एक्ट्रिस्टिक है यहाँ पर भी। तो ये एक जनरल ओरिजिनल विंग की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई। अब इसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जहां वैन बनती है उन वैन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट वैन का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिएगा इस एरिया में मार्जिन और एंगल, इसके बाद में दूसरी चीज आती है एरिया की विंग के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरिया जिसमें वेनेशन होता है, वैन बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल वैन बनती है। तो उसमें देखिएगा जहां से हम विंग जुड़ता है थोरेक्स रीजन से, उसके अपर पार्ट में एक एरिया बनता है, इस एरिया को हम कहेंगे एक्जिलरी एरिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ध्यान रखिए बच्चों, जहां से विंग थोरेक्स रीजन से जुड़ता है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से जहां जुड़ता है, इस जुड़ने के स्थान पर इसका अपर पार्ट है, इसको हम कहेंगे एक्जिलरी एरिया, और इसके नीचे का पार्ट है इसे कहेंगे हम जुगल एरिया। तो दो एरिया तो पाए जाते हैं यहां पर बेस ऑफ द विंग, जुगल एरिया और एक्जिलरी एरिया। इस बात को हम समझ गए, दो एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं यहां पर। अब एक्जिलरी एरिया से यहां लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स निकलती है, एक्जिलरी एरिया से एक यहां हम कह सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर या ओरिजिन होती है, और पूरे विंग को दो भाग में डिवाइड कर सकती है। इसे कहते हैं हम मीडियन फ्लेक्शन लाइन, मीडियन फ्लेक्शन लाइन कहते हैं। मीडियन फ्लेक्शन जो लाइन बन रही है ये विंग को डिवाइड कर रही है। यहां इस पार्ट को हम कहते हैं रेमिजियम, और नीचे वाला पार्ट भी क्या कहलाता है, रेमिजियम कहलाता है। ब्रॉड पार्ट ऑफ द विंग नोन एज द रेमिजियम, ध्यान रखें। और इसके बीच में एक लाइन है, इस लाइन का नाम दिया गया मीडियन फ्लेक्शन लाइन। देन अब यहां मैंने एक्जिलरी एरिया बताया, जुगल एरिया बताया, और इसके ठीक नीचे, जैसे मान लो यहां पर विंग है, ये इसके ठीक थोड़ा सा आगे की तरफ एक एरिया है, इस एरिया को एनल एरिया या VANUS वेनस के नाम से जानते हैं। एनल एरिया ऑल्सो नन एज दी वेनस, VANUS, क्लियर, यहां इस बात को हम समझ सकते हैं। एनल एरिया का जो ये मार्जिन दिखाया गया है यहां पर, मैंने कहा एनल मार्जिन, तो ये मार्जिन कौन सा है, एनल मार्जिन है। यहां पर मार्जिन की बात करें, एनल मार्जिन, ये मार्जिन था यहां पर एपिकल मार्जिन, एपिकल मार्जिन था यहां पर, ध्यान रखें यहां पर एपिकल मार्जिन के नीचे ये जो है मार्जिन है, इसको एपिकल मार्जिन, और एपिकल मार्जिन के नीचे एपिकल मार्जिन हम कह सकते हैं, एपिकल मार्जिन के ठीक ऊपर एपिकल एंगल हम कह सकते हैं। यहां पर ये क्या था, एपिकल एंगल था या, और नीचे यहां एनल एंगल था, इसको हम यहां एनल एंगल भी कहते हैं। इस एनल एंगल ये यहां पर एक एंगल है, यहां पर एपिकल एंगल था और बीच में एपिकल मार्जिन है। ये एक स्ट्रक्चरली हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा यहां जो इनिशियल पार्ट है, जुगल जो एरिया है, वहां पर अनेक प्रकार की या ब्रांचिंग पटेंट है, इस विंग को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जुगल एरिया में एक फोल्ड पटेंट है, इस फोल्ड को जुगल फोल्ड कहेंगे, इसके बाद में एंडल फोल्ड कहेंगे, इसके बाद में क्लेवल फोरो या क्लेवल फोल्ड कहेंगे, जो एनल मार्जिन को डिवाइड कर सकता है। एनल मार्जिन और एक्जिलरी एरिया है, इसके बीच का स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को हम यहां पर कहेंगे सबसे पहले क्या कहेंगे, एक नंबर यहां पर बड़ा स्पेस क्लेवल फोरो, एनल मार्जिन या वेनल, एनल मार्जिन को हम कहेंगे वेनस भी बोलते हैं, वेनस मार्जिन और जुगल फोल्ड ही है। तो तीन प्रकार के यहां पर फोल्ड पाए जाते हैं, ये फोल्ड डिवाइड करते हैं इस जुगल एरिया को। तो ये बात आप समझ गए, यहां पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस डायग्राम को हम यहां पर समझ सकते हैं। इसके बाद में वेनेशन हम देखें, यहां पर ध्यान रखिए बच्चों, वेनेशन किस प्रकार से होता है,
वेनेशन की हम बात करेंगे, एक विंग के अंदर वेनेशन क्या है, किस प्रकार से उपस्थित है, तो विंग आर स्ट्रेंथन बाय ए नंबर ऑफ होलो नेरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वैन। अरेंजमेंट ऑफ वैन ऑन विंग सरफेस इज नोन एज द विंग वेनेशन। इस बात को समझिए बच्चों कि मैं सिंपलीफाई यहां पर बता सकता हूं कि ये हमारे पास में विंग है, ये हमारे पास में क्या है, विंग है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एरिया बताए थे, ये यहां पर इस प्रकार से डिवाइडेड है या छोटी छोटी वेन है, इस वेन का एक निश्चित डायरेक्शन है, तो अरेंजमेंट ऑफ द वेन इन द एट द विंग इन द विंग दैट इज कॉल्ड विंग वेनेशन। द वेन फाउंड इन द विंग that is a different type of vein found in the wing. First is longitudinal type of vein, second is cross vein. Mainly two type of vein, first is longitudinal vein, second is cross vein. Longitudinal और cross vein का बच्चों क्या meaning है? Longitudinal vein आप देखिएगा, हम यहां पर कह सकते हैं ये हमारा एक विंग है, ये हमारा यहां पर एक विंग बना सकते हैं जिसके अंदर कोस्टल एरिया है, यहां पर ये एक विंग है, इस विंग के अंदर कुछ वेन तो क्या है, इस प्रकार की वेन प्रेजेंट है, ये जो वेन प्रेजेंट है इस प्रकार की वेन प्रेजेंट है, इस प्रकार की वेन प्रेजेंट है, तो कुछ इस प्रकार की वेन प्रेजेंट है, ये वेन प्रेजेंट है यहां पर, तो ऐसी वेन जो लंबे तरीके से यहां विंग को डिवाइड कर रही है, इस वेन को हम कहेंगे लोंगिट्यूडिनल, लोंगिट्यूडिनल वेन, क्या कहेंगे, लोंगिट्यूडिनल वेन कहेंगे यहां पर, अरेंजमेंट ऑफ द वेन। दूसरी जो वेन है, कुछ वेन ये होती है लोंगिट्यूडिनल वेन, वो इस प्रकार से कनेक्ट करने का काम करती है, ये वेन है जो यहां पर कनेक्ट कर रही है लोंगिट्यूडिनल वेन को, ऐसी वेन को बच्चों क्या कहेंगे हम, क्रॉस वेन कहेंगे, क्रॉस वेन के नाम से जानते हैं। तो ये आप यहां पर समझ सकते हो कि कुछ वेन तो क्रॉस वेन होती है और कुछ वेन यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल प्रकार की वेन होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेन है और क्या क्रॉस वेन है, तो आप समझ गए होंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेन है और क्रॉस वेन है यहां पर पाई जाती है। ये वेन भी कुछ वेन तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से पाई जाती है यहां पर, इस वेन को हम यहां पर कहेंगे कॉनकेव वेन, कॉनकेव यहां पर जिसके अंदर गुहा पाई जाती है, कुछ वेन इस प्रकार की होती है, इस वेन को हम कहेंगे यहां पर कॉनकेव वेन, कॉनकेव प्रकार की लेंस की मिरर के आकार के आधार पर हम कह सकते हैं कुछ वेन है वो कॉनकेव होती है, उत्तल प्रकार की होती है, और कुछ अवतल प्रकार की वेन इंसेक्ट विंग के अंदर होती है। तो ये बच्चों यहां पर समझ गए होंगे, जैसे ये वेन है इस प्रकार की, ये वेन है क्रॉस वेन है, लॉन्गिट्यूडिनल वेन है, तो कॉनकेव उत्तल या अवतल प्रकार की वेन इंसेक्ट विंग में होती है, तो इसे हम यहां पर बच्चों समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह यहां। तो इस प्रकार विंग वेनेशन हुआ। अब देखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेन के बारे में हम देखें, लॉन्गिट्यूडिनल वेन क्या कहना चाह रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडिनल वेन आप देखिए एक्सटेंड फ्रॉम बेस द मार्जिन मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कुछ वेन है वो या कॉन्वेक्स भी हो सकती है, इस प्रकार की वेन भी है, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स, ध्यान रखिए वेक्स बन गया या, और ये ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा है, और कुछ वेन है यहां पर है इस प्रकार की होती है, इसे हम कहेंगे केव बन गई, तो इसे कहेंगे हम कॉनकेव वेन कहेंगे यहां पर, तो ये एक स्ट्रक्चर यहां बनती है। इस बात को आप समझ गए होंगे वेन लॉन्गिट्यूडिनल वेन कैसी होगी, या तो कॉनकेव होगी या कॉन्वेक्स होगी, या उत्तल होगी या अवतल होगी। उसके बाद में क्रॉस वेन किसको कहेंगे, दैट वेन इंटरलिंक द लॉन्गिट्यूडिनल वेन, लॉन्गिट्यूडिनल वेन को लिंक करने वाली वेन, इंटरलिंक करने वाली वेन, इसे हम कहते हैं क्रॉस वेन। द इंसेक्ट विंग मे सम टाइम पजेज सम पिगमेंटेड स्पॉट नियर कोस्टल मार्जिन नोन एज द टेरो स्टिग्मा और स्टिग्मा एज इन ओडोनेटा ड्रैगन फ्लाई एंड डेंसल फ्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पूछा जाता है ये टेरो स्टिग्मा क्या है, तो टेरो स्टिग्मा हम यहां पर देखें टेरो स्टिग्मा की बात करें तो कोई भी जैसे ये विंग था, इस विंग में ये यहां पर कोस्टल मार्जिन है, यहां पर सी मार्जिन है, इसके पास में एक स्पॉट होता है, इस स्पॉट को हम कहेंगे
टेरोस्टिग्मा सभी इंसेक्ट के अंदर टेरोस्टिग्मा नहीं होता, इसे स्टिग्मा भी कह सकते हैं। कुछ इंसेक्ट है ओडोनेटा ऑर्डर, ओडोनेटा ऑर्डर जिसमें वन पेयर ऑफ विंग वेल डेवलप होता है उसको हम कहेंगे ओडोनेटा, जिसमें ड्रैगन फ्लाई और यहाँ डेंसल फ्लाई है वो इसी के अंदर है, यहाँ पाई जाती है। सॉरी वन पेयर ऑफ द विंग है वो किसके अंदर होता है, हाउस फ्लाई के अंदर होता है। ड्रैगन फ्लाई और डेंसल फ्लाई है, इसके अंदर क्या है टेरोस्टिग्मा पाया जाता है। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। इसके बाद में अब कुछ वर्डिंग यूज करेंगे बच्चों कि इस वैन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैन है, उसके लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं कौन कौन से वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो आप देखोगे एक वर्ड लिया जाता है कोस्टा। कोस्टा क्या है, एक वैन का नाम है यहां पर जिसे सी के द्वारा डिनोट करते हैं। कोस्टा कौन सी वैन है, द थिकेंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द विंग कोस्टल अनब्रांच्ड एंड कॉन्वेक्स। अनब्रांच्ड है, कॉन्वेक्स टाइप की है, कॉन्वेक्स एक्चुअली इस प्रकार की वैन होगी यहां पर, और इसको हम कहेंगे यहां पर कोस्टा। थिकन एंटीरियर मार्जिन ऑफ द विंग कोस्टल एरिया जो है वहां पर पाई जाने वाली, किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है और कॉन्वेक्स प्रकार की है तो इसे कोस्टा कहेंगे। इसके ठीक नीचे दूसरी वैन है सब कोस्टा, इमीडिएटली बिलो द कोस्टा एंड इज फोर्क डिस्टेली इनटू टू ब्रांचेज। फर्स्ट इज सब कोस्टा, फर्स्ट और सब कोस्टा सेकंड यहां पर। तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम यहां पर, कोस्टा यहां टू टाइप में डिवाइड हुई, ये हमारी मान लो कोस्टा है। कोस्टा यहां पर टू टाइप में डिवाइड हो गई, कौन सी, सब कोस्टा फर्स्ट में और ये सब कोस्टा सेकंड के अंदर। तो कोस्टा है इसके नीचे सब कोस्टा है, सब कोस्टा है ऊपर थी कोस्टा, नीचे सब कोस्टा, सब कोस्टा को SC1 और SC2 में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की यहां पर ब्रांचिंग यहां हो जाती है आगे चल के, और ये कॉनकेव होती है ध्यान रखना। तो कोस्टा तो है कॉन्वेक्स, कोस्टा है कॉन्वेक्स याद रखना, कॉन्वेक्स, और ये क्या होगी कौन केव हो गई यहां पर। तो ये हम इस प्रकार से बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेज है, कोस्टा कॉन्वेक्स है और सब कोस्टा कौन केव प्रकार की वैन है। इसके बाद में तीसरी प्रकार की जो वैन है इसे हम रेडियल वैन कहेंगे, आर के द्वारा डिनोट करते हैं। ये सब शब्द हम इंसेक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं उनमें आर को बेस मानते हैं, एस को बेस मानते हैं, एससी को बेस मानते हैं। ये क्या है विंग वेनेशन के टाइप है। तो आप देखिएगा रेडियल वैन कौन सी है, स्टाउट एंड द कनेक्ट एट द बेस विद द सेकंड एक्सिलरी स्क्लेराइट्स। एक्सिलरी पार्ट कौन सा था, एक्सिलरी पार्ट था हमारा जहां से विंग है वो कनेक्ट होता है किससे, थोरेक्स पार्ट से, उसको एक्सिलरी पार्ट कहेंगे। वहां पर जो स्क्लेराइट है उसको स्क्लेराइट्स बोलेंगे, एक्सिलरी स्क्लेराइट बोलेंगे। वहां से एक वैन डेवलप होती है उसको हम रेडियल वैन कहेंगे। इट डिवाइडेड इनटू R1 एंड RS। RS का मीनिंग रेडियल सेक्टर, ध्यान रखिए रेडियल वैन मैं क्या कह रहा हूं, SC यहां पर डिवाइड हुई, इस प्रकार में यहां पर वो रेडियल वैन also divided into R1 or RS. RS का मीनिंग है रेडियल सेक्टर। R1 टच एपिकल मार्जिन एंड कॉन्वेक्स, ध्यान रखिए R1 है वो आगे एपिकल मार्जिन तक जाएगी और किस फॉर्म में होती है, कॉन्वेक्स फॉर्म में होती है। RS इज कॉनकेव, RS फिर कॉनकेव है एंड डिवाइडेड इंटू फोर ब्रांचेज R2, R3, R4 और R5। बात समझ में आ गई बच्चों, यहां पर R2, R3, R4 और R5 ब्रांच में ये डिवाइड होती है, कौन SC यहां पर डिवाइड होती है। तो इस प्रकार की वैन को हम कहेंगे रेडियल वैन। देन मीडिया, इसे कैपिटल M के द्वारा डिनोट करते हैं। मीडिया वैन आर्टिकुलेट विद द सम ऑफ द स्मॉल मीडियन स्क्लेराइट। मीडिया एंटीरियर MA इज कॉन्वेक्स एंड मीडिया पोस्टीरियर MP इज कॉनकेव। आगे की मीडिया कॉन्वेक्स है, पीछे की मीडिया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडिया है वो कॉनकेव प्रकार का है। एंड मीडिया एंटीरियर इज डिवाइडेड MA1 और MA2। मीडिया का आगे का पार्ट है MA1 और MA2 में डिवाइड रहता है। मीडियन पोस्टीरियर इनटू MP1, MP2, MP3। पीछे का भाग है जो मीडिया का, पोस्टीरियर भाग है जो मीडिया का, वो फिर डिवाइड होता है MP1, MP2 और MP3 में। तो इस प्रकार का ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसके बाद में बच्चों देखिए क्यूबिटस प्रकार की वैन है।
क्यूबिटिस में सी यू का यहां पर सिंबल यूज किया जाता है, क्यूबिटिस फॉर सी यू. इट आर्टिकुलेट विद द मीडियन एक्सिलरी स्केलराइट एंड क्यूबिटिस इज डिवाइडेड इनटू कॉन्वेक्स सी यू वन, कॉनकेव सी यू टू. सी यू वन इज डिवाइडेड इनटू सी यू वन ए एंड सी यू वन बी. बच्चों बात समझ में आई? क्यूबिटिस क्या कह रहा हूं मैं, क्यूबिटिस. ओके, क्यूबिटिस से किसके साथ में आर्टिकुलेट होती है? तो मीडियन एक्सिलरी स्केलराइट्स के साथ में ये आर्टिकुलेट होती है. क्यूबिटिस किस टाइप की वेन है? यहां पर सी यू, क्यूबिटिस से सी यू टाइप की है, इसको हम कहेंगे यहां पर कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स प्रकार की वेन है ये. कॉन्वेक्स इसमें भी कॉन्वेक्स कौन सी है? तो यहां पर कॉन्वेक्स में यहां इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट में. इसे एक को कहेंगे सी यू वन, दूसरे को सी यू टू. सी यू वन कैसी होगी? कॉन्वेक्स, ध्यान रखें. और सी यू टू कैसी होगी? यहां पर ये कॉनकेव होगी, कॉनकेव. तो इस प्रकार से क्यूबिटिस कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव के नाम से जानते हैं. कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों प्रकार का यहां पर स्ट्रक्चरली बनाती है. सी यू वन ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फिर ये भी यहां पर डिवाइड हो जाती है. इसे कहेंगे सी यू वन ए, सी यू वन ए, सी यू वन बी. तो ये फिर यहां पर डिवाइडेशन हो गया. तो ये एक फॉर्मूला बच्चों आप याद रखिए, ये क्यूबिटिस का फॉर्मूला हो गया. इस प्रकार से क्यूबिटिस का फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं यहां. देन नेक्स्ट वेन इज एनल वेन. एनल वेन डिनोट बाई ए. एनल वेन किस प्रकार की होती है यहां पर? तो कॉन्वेक्स प्रकार की होती है या इंडिविजुअल अनब्रांच्ड होती है. एनल वेव खुद किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं रखती है, अनब्रांच्ड होती है. संख्या इसकी एक से तीन होती है. पहली और दूसरी जुगल वेन आर प्रेजेंट इन द जुगल लोब ऑफ द फोरविंग. पहली और दूसरी है जुगल वेन कहलाती है और वो जुगल लोब में पाई जाती है. किसी प्रकार की ब्रांचिंग एनल वेन में नहीं होती है. तो इस बात को बच्चों हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं यहां पर. तो ये कुछ वर्डिंग थी जो सिंबल के रूप में इंसेक्ट के विंग की स्टडी करते हैं उसमें हम उपयोग कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? यहां ये बात समझ में आई आपके. अब देखिएगा इसके बाद में कुछ क्रॉस वेन है. अब मैं क्या कह रहा हूं, क्रॉस वेन. क्रॉस वेन कई प्रकार की है. ह्यूमरल जिसे स्मॉल एच के द्वारा प्रदर्शित करती है, रेडियल जिसे स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करती है, सेक्टोरियल जिसे एस के द्वारा प्रदर्शित कर रही है, रेडियोमीडियल जिसे आर एम के द्वारा डिनोट करते हैं, मीडियल है जिसे एम के द्वारा डिनोट करते हैं, और मीडियो क्यूबिटल जिसे एम सी के द्वारा यहां डिनोट करते हैं. अब ये कहां पाई जाती है? ह्यूमरल फाउंड इन बिटवीन द कोस्टा एंड सब कोस्टा. कोस्टा और सब कोस्टा जो पहली वेन बताई थी, ये कोस्टा है, ये सब कोस्टा है. इसको यहां पर कनेक्ट करने वाली वेन है, उसको एच वेन या ह्यूमरल वेन कहेंगे. क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आई यहां पर. रेडियल वेन बिटवीन द रेडियस एंड रेडियल सेक्टर. हमारे पास में विंग की स्ट्रक्चर देखें, एक रेडियस है, एक रेडियल सेक्टर है. इस दोनों को कनेक्ट करने वाली वेन है क्रॉस वेन, जिसे आर के नाम से जानते हैं. तो ये रेडियल और यहां पर कहेंगे रेडियल, और इसको कहेंगे आर है, इस रेडियल सेक्टर. इसको यहां पर कनेक्ट करने वाली वेन है आर है. सेक्टोरियल वेन एस बिटवीन द सब ब्रांच ऑफ द रेडियल सेक्टर. अब ये रेडियल सेक्टर भी क्या है, यहां पर ब्रांच में डिवाइड रहती है. इसको हम कहेंगे सब ब्रांच ऑफ आर एस वन, आर एस टू. अब ये दोनों आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहती है यहां पर, जो इसको बोलेंगे हमें एस प्रकार की वेन या सेक्टोरियल प्रकार की वेन या देन रेडियो मीडियल आर एम बिटवीन द रेडियस और मीडिया. सपोज करो हमारी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हमारी मीडियस है. इसको इस प्रकार से कनेक्ट करने वाली वेन है, इसको हम कहेंगे आर एम. ध्यान रखें, इस प्रकार से ये वेन यहां पाई जाती है. देन मीडियल बिटवीन द ब्रांच ऑफ द मीडिया. मीडिया की जो ब्रांच है वहां पर उपस्थित होती है कौन सी, या मीडियल वेन होती है. और मीडियो क्यूबिटल बिटवीन द मीडिया और क्यूबिटस. मीडिया और क्यूबिटस के बीच में कौन सी वेन है, या मीडियो क्यूबिटल प्रकार की वेन है. तो
इस प्रकार से हम विंग वेनेशन के विभिन्न सिंबल के द्वारा विंग की स्ट्रक्चर है का अध्ययन कर सकते हैं। एक संपूर्ण विंग की बात करें बच्चों, यहां देखिएगा पूरी विंग की बात करें उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेन की स्टडी हम कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखिएगा ये हमारी कोस्टा वेन है, यहाँ कोस्टा पार्ट है, ये हमारा सब कोस्टा पार्ट है, यहां पर ये रेडियस पार्ट है यहां पर, और इसके बाद में आप देखिएगा ये मीडिया पार्ट है यहां पर, और इसके बाद में ये एनल पार्ट है। ये चार रीजन हमने ले लिए, नंबर वन इज कोस्टा जो कोस्टा है, नंबर टू इज सब कोस्टा, और नंबर तीन इज रेडियस, नंबर चार इज मीडिया, और नंबर पांच इज एनल। ये पांच मेन भाग ले लिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेन एंड क्रॉस वेन की बात करें, अब इसमें सबसे पहले कोस्टा वेन है, देखिए ये कोस्टा वेन यहां पर निकल रही है, कोस्टा वेन आगे चल के आप देखिए दो शाखाओं में डिवाइड हो रही है कोस्टा वेन, इसे कोस्टा पार्ट है, आउटर मार्जिन पार्ट है, इसको हम कहेंगे कोस्टा, याद रखिएगा ये तो कोस्टा है, और इसके ठीक नीचे ये क्या है सब कोस्टा, ये तो क्या हो गया कोस्टा जिसे हम कहेंगे सी, और इसके ठीक नीचे लॉन्गिट्यूडिनल वेन है एपिकल पार्ट की तरफ जा रही है यहां पर, इसे कहेंगे सब कोस्टा। सब कोस्टा फिर दो भाग में विभाजित होती है, एक एससी वन और एक एससी टू, सब कोस्टा वन और सब कोस्टा टू। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में आप देखिएगा यहां से एक और वैन यहां उत्पन्न होती है, इसको हम कहते हैं रेडियल वैन या रेडियस वैन, आर वैन उत्पन्न होती है। आर वैन प्रारंभिक तौर पे दो शाखाओं में डिवाइड रहती है, शाखा नंबर एक और शाखा नंबर दो, दो ब्रांच में डिवाइड रहती है यहां पर। ब्रांच नंबर एक डायरेक्टली यहां एपिकल पार्ट में जा रही है जिसे आर वन कहते हैं, क्लियर। देन ब्रांच नंबर दो जिसे आर एस रेडियस सेक्टर कहेंगे, दूसरी पहले तो क्या है यहां पर आर रेडियस है, आर वन है, और अब यहां पर दूसरी आर की जो ब्रांच निकलती है इसको हम कहते हैं आर एस रेडियस सेक्टर। रेडियस सेक्टर फिर दो भाग में यहां पर डिवाइड होती है, और आगे चल के रेडियस सेक्टर दो भाग में है जिसे आर एस वन और आर एस टू के नाम से जानेंगे, यहां पर रेडियस सेक्टर वन और रेडियस सेक्टर टू। रेडियस सेक्टर वन आगे चल के फिर यहां पर टू पार्ट में आर टू और आर थ्री में विभाजित हो रही है, और यहां टू आर फोर और आर फाइव में यहां पर डिवाइड हो रही है। इस प्रकार से हम ये टोटल जो आर वन से लेकर आर फाइव तक, आर वन से लेकर आर फाइव तक जो वैन है इनको हम रेडियस वैन के नाम से जानते हैं। फिर ये सेक्टर में डिवाइड हो जाती है, वो एक अलग बात है। आगे चले फिर देखिएगा एम मीडियन वेन है, ये एम वेन है, एम वेन मीडियन आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड रहती है, एक आर एम में जो एक यहां पर टू पार्ट में डिवाइड रहती है, इसे एम पहले भाग को हम कहेंगे यहां मीडियन। मीडियन फिर दो टाइप में डिवाइड होगी, वन और टू। फर्स्ट जो मीडियन है एम वन है, ये डिवाइड होती है यहां पर टू पार्ट में जिसे एम वन एम टू कहेंगे इस पार्ट को। देन सेकेंड है जो मीडियन क्यूबिटस से जो यहाँ क्रॉस वेन है उसके ऊपर जो वेन पाई जाती है ये यहां पर है, फिर डिवाइड हो जाती है, इसको हम कहेंगे एम थ्री एम पी थ्री और एम पी फोर, इस प्रकार के थ्री फोर टू वन ये इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अंत में ये पुनः वन टू थ्री फोर पार्ट में डिवाइड होती है, इसे हम कहेंगे मीडियन वेन। देन नेक्स्ट इज क्यूबिटस टाइप की वेन है, यहां से एक सी स्टार्ट होती है दो पार्ट में डिवाइड होके सी यू वन ए और सी यू वन बी बनाती है, और दूसरी ब्रांच सी यू टू बनाती है। देन एनल पार्ट में यहाँ सिंगल वेन ए वन और ए टू ए थ्री, एनल में किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग बच्चों नहीं होती है, एनल वेन है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ये बात आप यहां पर समझ सकते हो, तो ये एक सीक्वेंस हम यहां पढ़ सकते हैं। अब जितनी भी वेन है ये सभी वेन या तो कॉन्वेक्स होती है या कॉनकेव होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी वेन है वो कॉन्वेक्स है, कौन सी कौन केव है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो यहां आप देखिएगा ऊपर वाली यहां मैं इस प्रकार से बना सकते हैं, ये एक कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स इस प्रकार से एक यहां एक वेव बना सकते हैं। ऊपर का पार्ट है ये कॉन्वेक्स है, ये क्या है ये कॉन्वेक्स है, ये पार्ट कॉन्वेक्स कहेंगे यहां पर, और ये पार्ट कॉनकेव कहेंगे यहां पर, ये कॉनकेव कहेंगे। अब इससे हमारा यहां आंसर आ सकता है कॉन्वेक्स में यहां पर सी वैन आर वन वैन एम ए वैन और फर्स्ट ए वैन होती है, और कॉनकेव के अंदर यहां पर एस सी वैन आर एस वैन एम पी वैन
और Cu2n ये क्या है, एग्जांपल ऑफ दी कॉनकेव, कॉनकेव कॉनकेव का मीनिंग अवतल, एग्जांपल ऑफ दी यहां पर कॉनवेक्स, कॉनवेक्स प्रकार की। तो ये ग्रुप, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे ट्रिक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कॉनवेक्स वेन और कॉनकेव वेन कौन कौन सी होती है विंग के अंदर। तो कॉनवेक्स में सी आर एम ए सी यू फर्स्ट ए, याद रखना सी आर एम ए सी आर, सी आर कोई नाम ले लो, सी आर ने क्या किया एम ए किया क्यूबिटस और फर्स्ट ए साथ में। देन एसी रेज, एसी एससी की रेज क्या है आर एस रेज एम बी ऑन क्यूबिटस, एससी रेज हम ध्यान रखें यहां पर एससी रेज सीकर राजस्थान मध्य प्रदेश एंड क्यूबिटस, सी यू टू हम लेंगे यहाँ, वो कौन के प्रकार की है याद रखने के लिए हम इस प्रकार के तरीके अपना सकते हैं यहाँ। अब इसके बीच में क्रॉस वैन बाई जाती है, क्रॉस वैन जैसे यहाँ आर क्रॉस वैन है, एस क्रॉस वैन है, आर एम ए क्रॉस वैन है, एम ए क्रॉस वैन है, एम डैश सी यू एक क्रॉस वैन है, सी यू डैश ए एक प्रकार की क्रॉस वैन है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस वैन भी यहाँ उपस्थित है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वैन और क्रॉस वैन ये सब मिलके एक विंग का अरेंजमेंट बनाती है, विंग के अंदर है वेनेशन है उसका, वैन का अरेंजमेंट बनाती है, इस अरेंजमेंट को विंग वेनेशन कहते हैं। एक जनरलाइज विंग की स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन सभी इंसेक्ट के विंग के अंदर ये सब वैन नहीं होती है, इसकी अब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, फैमिली स्तर तक है हम इसके ऑर्डर को डिवाइड कर सकते हैं। हमने जो क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन को आप देख सकते हो, जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट है, पहले इस पे हमने कहा कहीं पर क्यूबिटस प्रेजेंट है, कहीं पर रेडियस प्रेजेंट है, कहीं पर लॉन्गिट्यूडिनल वैन एब्सेंट होती है, कहीं पर क्रॉस वैन है यहां पर एब्सेंट होती है, और अलग अलग विंग की स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस प्रकार ये वेनेशन है, विंग वेनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनता है क्लासिफिकेशन में। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द विंग। तो ये एक आप स्ट्रक्चर बच्चों एक बता सकते हो, ले सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इस डायग्राम को दो तीन बार आप प्रैक्टिस करोगे और वेन की सीक्वेंस आप रखोगे, पहले कोस्टा देन सब कोस्टा देन रेडियस प्रकार की देन मीडिया प्रकार की देन क्यूबिटस प्रकार की और देन एनल प्रकार की, यहां पर एक और बीच में क्यूबिटस नाम दे सकते हैं यहां, तो क्यूबिटस और एनल प्रकार इस प्रकार की सीक्वेंस हमारी यहां चलती है और इसके आधार पर हम बता सकते हैं। और ऐसी हम यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की श्रेणी में विभिन्न प्रकार की वैन का जिक्र कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी मैं होप कर सकता हूं। देन डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विंग हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करवा सकता हूं डायग्राम के द्वारा। तो हम कह सकते हैं विंग में फर्स्ट विंग यहां पर टैग्मिना विंग है, जो फोर विंग लेदरी विंग है, टफ विंग है, उनको हम टैग्मिना विंग कहेंगे। और फोर विंग किसमें, कॉकरोच में और ग्रास ऊपर में इस प्रकार का विंग पाया जाता है। एलिट्रा विंग है, वो हार्ड होता है, सेल लाइक होता है, क्लियर वेनेशन होती है, इस प्रकार का विंग है, वो फोर विंग होता है बिटल के अंदर। हेमी एलिट्रा प्रकार का विंग है, वो बेस ऑफ विंग है, थिक होता है लाइक एलिट्रा है, रिमेनिंग हाफ है, मेम्ब्रेनस प्रकार का विंग होता है, आधा एलिट्रा और आधा मेम्ब्रेनस प्रकार का है, इसे हम हेमी एलिट्रा कहेंगे। तो एग्जांपल ऑफ द फोर विंग ऑफ द बग, बग के अंदर ये विंग इसी प्रकार का होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के द्वारा ये मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर समझा सकते हैं, तो ये भी एक यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसके बाद में मेम्ब्रेनस विंग है, जो हमने पहले भी किया, यहाँ बता सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई है, इसके अंदर है मेम्ब्रेनस टाइप का विंग है, नेक्ड थिन विद क्लियर वेनेशन है, ऑलवेज यूजफुल फॉर फ्लाइट है, ऐसे विंग है, वो उड़ने में हेल्पफुल है। एग्जांपल दे सकते हैं यहां पर है बोथ विंग ऑफ द ड्रैगन फ्लाई एंड बी एंड वास्प एंड हाइंड विंग ऑफ द ग्रास ऑपर एंड बीटल, उसके अंदर मेम्ब्रेनस टाइप के विंग होते हैं। स्केली विंग है, कुछ बटरफ्लाई के अंदर बड़े सुंदर सुंदर इस प्रकार का डायग्राम दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, यहां उसके ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं, कलरफुल स्केल प्रेजेंट होते हैं, उस प्रकार का विंग यदि पाया जाता है इसको हम कहते
कहते हैं। इसके लिविंग विंग थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, बट कवर्ड विद दी यूनिसेलुलर स्केल ऑल ओवर दी सरफेस। दे यूजफुल फॉर फ्लाइट बोथ विंग ऑफ द मॉथ और बटरफ्लाई। इसके अंदर इसी प्रकार के होते हैं। एक विंग है और यहां बता सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, फ्रिंजड विंग है, जिसके विंग के किनारे बच्चों या कटे फटे हो, इसे कहेंगे फ्रिंज्ड विंग कहते हैं। विंग आर हाईली रिड्यूस्ड विद द रिड्यूस्ड वेनेशन। द विंग आर फ्रिंज्ड विद द लॉन्ग मार्जिनल हेयर गिविंग ए फेदर लाइक अपीयरेंस। तो ये पाया जाता है बोथ विंग ऑफ द थ्रिप्स के अंदर इसी प्रकार के विंग होते हैं। किनारे कटे पटे होते हैं, जिसमें फेदर जैसी स्ट्रक्चर यदि यहां पर बन रही है विंग के किनारे पर, तो इसे हम फ्रिंज टाइप के विंग कहते हैं। कुछ यहां पर फिसर्ड विंग कहेंगे, जिसके किनारे बिल्कुल इस प्रकार के, हम कह सकते हैं कि जो पक्षियों के पंख होते हैं उस प्रकार के यहां पर किनारे हो, इसे हम कहते हैं फिसर्ड विंग। फोर विंग आर लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइडेड ट्वाइस फॉर्मिंग ए फोर्क लाइक स्ट्रक्चर, वेयर द हाइंड विंग आर डिवाइडेड ट्वाइस इन द थ्री आर्म्स। आल the fork passage small marginal hair, they are useful for flight both wing of the plume moth। प्लूम मोथ में जो विंग होते हैं वो फिसर्ड विंग होते हैं। कुछ इंसेक्ट के अंदर हेल्टर्स पाए जाते हैं, वो भी एक विंग का टाइप है। हाइंड विंग ऑफ द हाउस फ्लाई आर द मॉडिफाइड इनटू द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेल्टर। हाउस फ्लाई के अंदर यहाँ पर हाइंड विंग है वो हेल्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड डिवाइडेड इंटू ए थ्री रीजन, नेमली स्केबेलम, पेडिसील एंड कैपिटेलम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हेल्टर के तीन भाग होते हैं, एक भाग को स्केबेलम कहेंगे, दूसरे भाग को पेडिसील कहेंगे और तीसरे भाग को कैपिटेलम कहेंगे। दे एक्ट एज बैलेंस, जो इंसेक्ट उड़ते समय बैलेंस का काम कर रही है। ये हम क्लासिफिकेशन में किया था बच्चों, कुछ हेल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हेल्टर्स का प्रेजेंट का होने का मीनिंग हाइंड विंग है वो कैसा है, वेस्टिजियल प्रकार का है। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई एंड फ्रंट विंग ऑफ दी मेल स्टाइलोपिड्स के अंदर इसी प्रकार के विंग होते हैं। कुछ स्यूडो हेल्टर्स होते हैं, हेल्टर नहीं है, स्यूडो हेल्टर है। इसका मीनिंग है दे आर शॉर्ट एंड मॉडिफाइड इनटू द स्यूडो हेल्टर्स व्हिच आर डंबल शेप। एग्जांपल ऑफ द फ्रंट विंग ऑफ द स्ट्रेप्सिप्टेरा। स्ट्रेप्सिप्टेरा जो ऑर्डर है इसके अंदर जो फ्रंट विंग है वो इसी प्रकार के या स्यूडो हेल्टर प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विंग वेनेशन है वो उपस्थित होता है। फिर विंग कपलिंग अपरेटस पाया जाता है। कपलिंग अपरेटस का मीनिंग है दोनों विंग है आपस में जुड़े रहते हैं, इसको हम कहते हैं कपलिंग अपरेटस है। ये जुगेट टाइप और जुगम टाइप ऑफ अपरेटस और फ्रेनुलम और रेटिनाकुलम टाइप ऑफ अपरेटस है यहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों। कुछ इंसेक्ट के अंदर जो अपरेटस है ये जुगम टाइप ऑफ कपलिंग अपरेटस है और कुछ के अंदर यहाँ पर फ्रेनुलम टाइप ऑफ कपलिंग अपरेटस पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ के अंदर एम्प्लेक्सी फॉर्म प्रकार का यहाँ पर अपरेटस होता है, तो कुछ के अंदर हेमुली प्रकार का अपरेटस यहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो बच्चों मैं होप कर सकता हूं कि अब आप विंग की स्ट्रक्चर, विंग के इंसेक्ट, विंग की इंसेक्ट स्ट्रक्चर और इसका वेनेशन और इसका मॉडिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस प्रकार की मैं यहाँ होप कर सकता हूं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पर वीडियो को बहुत अच्छी तरह सुना और आगे आप इसको बार बार सुने, जिस बार बार देखें, जिससे ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए। कौन कौन बच्चे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर देख के इसके हम कह सकते हैं कि कमेंट जरूर लिखे, अपना बच्चा अपना नाम जरूर लिखे, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि कंटिन्यूटी वो किस बच्चे के साथ में ये कंटिन्यूटी है, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच।